हरे कृष्णा। तो दुनिया का सबसे बड़ा भाग्य कि हम लोग सबसे पहले सुबह उठ के भगवान का नाम ले पाते हैं। ये सबसे बढ़िया चीज हम करते हैं, सबसे पहले उठ के किसका स्मरण करना। देखने में बहुत छोटी चीज लगती है, बट ये दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि यही चीज हमारे लिए तो बहुत सिंपल से हमने तो रोज करते तो एक आदत लग गई है, लेकिन यही दुनिया का, दुनिया में आने का मेन कारण है कि हम कृष्ण को भूल गए हैं। गीता का सार है, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकम् शरणम व्रज। भगवान वादा करते हैं, अगर आप शरणम करेंगे, मेरी शरण लेंगे, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं आपके सभी पापों से आपको मुक्त कर दूंगा। ये भगवान ने खुद वादा किया है कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। तो ये भगवान का नाम लेना एक तरह का क्या है, समर्पण है। क्योंकि तो आप क्या करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम। मान लीजिए किसी के एग्जाम है तो 2 मिनट 10 मिनट पढ़ सकता है, 2 घंटा उसका पढ़ाई कर सकता है, बेचारा क्या कर रहा है, हरे कृष्ण कर रहा है। तो ये एक तरीका क्या है, समर्पण है, कि हम किसी और पर आश्रित हो रखे। ये देखने में लग रहा है कि हम किसी और पर आश्रित हो रहे हैं, नहीं, यही वास्तविक स्थिति है कि सब कुछ इस दुनिया में किसके कंट्रोल में है, किसने कंट्रोल में है। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। बुद्धिमता, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, क्या बोला गया है, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्व इति मत्वा भजन्ते माम। तो ये जानते हैं, जो कृष्ण बोल रहे हैं कि वो सब चीज के स्वामी है, सब कुछ उनके निर्देश से ही हो रहा है। तो जब उनकी सब कुछ निर्देश से होता है और खुद बोल रहे हैं कि मेरा भजन कीजिए, मेरा स्मरण कीजिए, और यह भाव जो है भगवान को स्मरण करने का, भगवान का आश्रय लेने का, ये सबसे स्वाभाविक और सबसे उच्च स्तर पे मिलता है श्री वृंदावन धाम में। वहां पर हम देखते हैं ब्रज ब्रज के जो लोग हैं स्वाभाविक रूप से कृष्ण की शरण लेते हैं। ब्रज के परिकर, ब्रज के जो भक्त हैं, कोई भी कठिनाई आती है तो इस दुनिया में कुछ भी कठिनाई आती है तो आदमी सोचता है मैं तुरंत कुछ करूं, स्वाभाविक से, और गलत नहीं है। मान लीजिए कोई पति है, पत्नी की तकलीफ में, तो उसका धर्म पत्नी की रक्षा करना है, इसमें तो कोई गलत नहीं है। आपको भूख लगी है, आपका धर्म खाना बनाइए, खाइए, दिक्कत नहीं। लेकिन यह सब जो धर्म है, छोटे धर्म है, सबसे ऊंचा धर्म है कि हमारे सबके ओरिजिनल स्वामी कौन है, भगवान। तो इसको परो धर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप बीमार है तो स्वाभाविक सी बात है, धर्म क्या है, दवाई लीजिए, डॉक्टर के पास जाइए, भूख लगे तो क्या कीजिए, खाना खाइए। अगर आपको भूख लगे तो क्या करेगा, खा लीजिए, ये एक स्वाभाविक है, इसमें कोई पाप, लेकिन आप पाप में चीज मत खाइए, आप मांस उस मत खाइए, मछली मत खाइए, आप कुछ सात्विक चीज खाइए, भगवान का प्रसाद खाइए। लेकिन ये शरीर के धर्म है, ऐसा शरीर को भूख लगती है, शरीर के रिश्ते हैं, लेकिन आत्मा का धर्म है कि हम कृष्ण के दास हैं, उनकी सेवा करेंगे तो अपने आप आत्मा तृप्त रहेगी। तो इसीलिए वृंदावन ने बहुत बार लोग हर चीज में किसका स्मरण करते हैं, किसका आश्रय लेते हैं, कृष्ण का। तो ब्रज में जब इंद्र ने, भगवान ने उनकी पूजा बंद कर दी, उनको मदद करने के लिए उनके अंदर अहंकार आ गया था, तो फिर भगवान ने उनकी पूजा बंद करा दी और
अपना गोवर्धन की पूजा कीजिए, गायों की पूजा कीजिए, ये लोग हमारे धन है। सब लोग गोवर्धन की पूजा करने लगे। इंद्र को बहुत चोट लगी, बुरा लगा, रहे मेरी पूजा बंद करके लोग पत्थर की पूजा करेंगे, पूरा गुस्सा हो गए। इंद्र इतना गुस्सा हो गए, बारिश करने लगे। बारिश नहीं कर रहे थे, वो बोलते ना इंग्लिश में रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, और रेनिंग कैट, और हिंदी में बोलते मुसलधार, मुसल के समान बड़े बड़े समझ रहे हैं, लेकिन ये मुसलधार भाषा नहीं थी, वर्षा नहीं थी, कैट्स एंड डॉग्स नहीं था, समझ रहे हैं। इट वॉज रेनिंग माउंटेन्स, समझ रहे हैं, बड़े बड़े पहाड़ टाइप के। ब्रजवासी सब घबरा गए, लेकिन स्वाभाविक रूप से उनको स्मरण किसका आया, स्वाभाविक रूप से कृष्ण का स्मरण करने लगे। तुरंत कृष्ण ने उल्टे हाथ से क्या उठा दिया, वृंदावन को उठा दिया, गोवर्धन को उठा दिया, सबको बोला आप लोग आ जाइए। सात दिन सात रात तक उनको दिन भर भगवान के दर्शन हुए, और ऊपर में जो घास थी, अब घास तो हवा आती तो हिल जाती, लेकिन ऐसा वर्णन आता है, आचार्य बताते हैं कि इंद्र इतनी जोर से तूफान कर हवा मार रहे थे, मतलब बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे, समझ रहे हैं। तो ऐसा वर्णन आता है कि नीचे तो गोवर्धन के नीचे तो ब्रजवासी थे, मैं भी गैया हूं, लेकिन बहुत सारे जानवर सब तो गोवर्धन के नीचे नहीं थे, तो बहुत सारी बकरी, बहुत सारे, समझ रहे हैं, और जानवर ऊपर भी घूम रहे, इतनी तूफान में बोला आराम से ऊपर, समझ रहे, और किसी को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। और इंद्र फू किए जा रहा है, समझ रहे एकदम जोर से वृष्टि है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। आचार्य बताते ऐसा कैसे, इतनी बड़ी तकलीफ है और मतलब घास हिल भी नहीं रही, ऐसा कैसे। चूंकि कृष्ण गोवर्धन में देख रहे फोटो में उठा के रखे, क्या उठा के रखे, और उनके जिस स्पर्श से गोवर्धन में क्या आ गया, उसके अंदर भाव आ गया, क्या आ गया आदम, क्योंकि भगवान नीचे से स्पर्श कर रखे, तो ऊपर से घास जो थी उसके अंदर दिव्य शक्ति आ गई। इंद्र का दुफान अम्फान का बाप होगा, तो वो भी हिला नहीं पाया, 1000 किलोमीटर की स्पीड पे विंड भर, लेकिन हिल भी नहीं पाया। तो वैसे हमारे जीवन में भी बहुत बार हो सकता है, या भक्ति करे तो वासनाओं की क्या आएगी, बाढ़ आएगी, दुफान आएगा, हो सकता है लोग आपसे ईर्ष्या करने लगे, बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन जो भक्त, बहुत लोग इसमें बह जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ भी उखड़ जाते हैं, तूफान टंकी उड़ जाती है पानी की, समझ रहे, घर का शेड उखड़ जाता है, लेकिन यहाँ पर घास भी नहीं हिली, क्योंकि घास किससे कनेक्टेड थी, कृष्ण का स्पर्श मिल रहा था। वैसे जीवन में अगर हम कृष्ण का स्पर्श अगर लेके रखेंगे, तो बाहर से जितनी भी समस्या आएंगी, आप उससे विचलित नहीं होंगे, आप आसानी से और भक्ति अच्छे से करते पाएंगे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हम कृष्ण से कैसे अपना कनेक्शन करेंगे, वो कनेक्शन है भगवान का नाम लेना। तो जो भक्त बैठ के भगवान की शरण लेते हैं, भगवान पुकारते हैं, हे गोविंद आपके बिना मैं अधूरा हूँ, आपकी कृपा बिना मेरा कोई भी नहीं है, माया मुझे, माया माया इतनी प्रबल है, मैं एक सेकंड में गिर सकता हूँ, तूफान चल रही है, आंधी चल रही है, वासनाओं के बाद में मेरा कोई भी नहीं है, आप, हम भगवान से अगर कनेक्ट कर लेंगे तो फिर आपको कुछ भी नहीं। ये बहुत जरूरी है, सुबह उठकर स्नान करके
को शुद्ध करके थोड़ा कुछ देर, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जैसा समय बिताए, यहाँ कुछ नहीं, केवल कृष्ण कृष्ण। और सबसे बड़ा समर्पण, बोले हरे कृष्ण बोलना क्या समर्पण? नहीं, सबसे बड़ा समर्पण। कैसे समर्पण है? जब मन में विचार आएंगे कुछ और करने के, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कृष्ण का जप करूंगा, समझ रहे? अर्जुन ब्रह्मास्त्र आया तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र को प्रतिकार नहीं करे, पहले वो प्रार्थना की भगवान। तो वैसे ही हम लोग क्या कर, जब हम बैठे हैं जब करने, तो आपके अंदर विचार आएगा अरे ये कर लेता हूँ, नहीं अभी नहीं, उसके बाद समय दिन भर करेंगे, नहीं अभी के लिए 2 घंटे मैं और कृष्ण और कोई नहीं। इस प्रकार से हमें प्रयास करना है। अगर करेंगे तो आप देखेंगे मन पागल हो जाएगा, मन बोलेगा नहीं नहीं कुछ तो करना है, कुछ तो करना। तो सरेंडर मतलब सर्वधर्म पर, मतलब मन के विचारों को आपको देखना पड़ेगा, कहीं पर भी जाए वापस ले नहीं। अब मन बैठे और मन में आप ऐसे से प्लानिंग करें, ऐसे से कर लेंगे, ऐसे से कर लेंगे, तो फिर तो आप सूक्ष्म रूप से कर ही रहे, समझ रहे? लेकिन सबसे बड़ा अगर अच्छा जप करना है, मतलब जब के समय कुछ नहीं, मैं कृष्ण को ही स्मरण करूंगा बस, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम।